खास रिपोर्ट में हम आपसे जीनत अमान के बारे में बात करने वाले हैं। जीनत अमान जिन्होंने फिल्मी पर्दे के साथ अपने आप को जोड़कर इस पर्दे की परिभाषा ही बदल डाली। जीनत अमान जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर कैमरे के सामने बेहिचक कई ऐसे कपड़े पहने जिसे लेकर बवाल भले ही मचा हो, लेकिन जीनत का वही बदलाव भारतीय समाज में नारी की छवि बदलने में कामयाब हुआ। परंपराओं में बंधा भारतीय समाज बदलाव के लिए कभी हल्की सी करवट लीला, और इन सबके बीच देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब रिलीज हुई तो तूफान आ गया। पश्चिमी शैली की पोशाक में विदेशी संस्कृति में पली बड़ी उस लड़की ने दम मारो दम गाने पर जो तहलका मचाया, वो लड़की थी जीनत अमान। जीनत अमान की कई तस्वीरें आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे होंगे जिनमें वो छोटे कपड़ों में नजर आ रही हैं। ये छोटे कपड़े आज के समय में आम है। आज के समय में अभिनेत्रियों को ऐसे ही कपड़ों में देखने की आदत लोगों को हो गई है, लेकिन हैरानी होगी आपको जानकर कि जब जीनत अमान ने फिल्मी पर्दे पर इस तरह के कपड़े पहने तो उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और आलोचनाओं से हटकर जब जीनत अमान ने लगातार ऐसे कपड़े पहनना जारी रखा, तब जाकर लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि इन कपड़ों में कोई खराबी नहीं है। 68 साल की हो चुकी हैं जीनत अमान। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। बावजूद इसके आज भी जीनत को बदलाव लाने वाली अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि जिस जमाने में अभिनेत्रियां साड़ी और ढके हुए कपड़े पहनकर पर्दे पर नजर आती थी, उस जमाने में उस दौर में जीनत अमान ने टू पीस पहनकर लोगों को ये दिखा दिया कि अगर शर्टलेस होकर हीरो एक्टिंग कर सकते हैं तो टू पीस पहनकर वो भी बेहतरीन तरीके से अपने आप को पर्दे पर प्रेजेंट कर सकती हैं और इसमें कोई खराबी नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।